आज की वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशल है, जिसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें रिस्क बहुत हाई है पर मुझे लगता है इससे अर्निंग हो सकती है। मैं ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप अपने रिस्क इन्वॉल्व करके ट्रेडिंग करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो सिर्फ एक दिन के लिए की जाती है, यानी 9:15 पर मार्केट शुरू होने से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और 3:15 पर मार्केट बंद होने पर आपको ट्रेडिंग बंद करनी होती है। दो, इंट्राडे प्लेटफॉर्म। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म की नीड होती है। आप ग्रो, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीन, इंट्राडे कैपिटल। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ₹5,000 कैपिटल से इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक बार ₹5,000 को अपने ट्रेडिंग वॉलेट में ऐड करना होता है। चार, माय इंट्राडे स्ट्रेटजी। मैंने भी ₹5,000 कैपिटल को अपने ट्रेडिंग वॉलेट में ऐड करा था। उसके बाद मैंने एक ट्रेडिंग चार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करी और YouTube से भी चार्ट रीड करना सीखा। उसके बाद मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की, जिसमें मेन कॉल या पुट की ट्रेड लेता था, जिसमें मैं 3000 से 4000 तक की अमाउंट इन्वेस्ट करता था और सिर्फ टारगेट सेट करता था, जिसमें मैं 100 टू 200 तक डेली अर्न कर सकूं। इसमें मैंने स्टॉप लॉस ऐड नहीं करता था, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि मार्केट दिन में एक बार टू टारगेट हिट करता ही था। इसमें आपको बहुत रेयर केस में 400 टू 500 का लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा लॉस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कभी इतना ज्यादा लॉस नहीं देता है। पाँच, पेपर ट्रेडिंग। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, जिसमें सिर्फ आपको छोटा टारगेट सेट करना है और ट्रेड लेनी है, उसको आप पहले पेपर ट्रेडिंग में यूज करो। मैं आपको पेपर ट्रेडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरी पेपर ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जिसमें मैंने बहुत कम लॉस लिए हैं। उसके बाद मेन ग्रो मेन ट्रेडिंग करने लगा, जिसमें मुझे अभी लॉस हुआ है, पर मुझे यकीन है कि मैं इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। तो ये थी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रिमेम्बर, मैं एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इन्वेस्ट सोच समझ कर करे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करे। थैंक यू।